हेलो एंड वेलकम बैक टू योर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉन गालसवर्दे। इस टाइम समरी एंड एग्जाम नोट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें भी जान सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। जॉन एंथनी जो कि चेयरमैन और फाउंडर है थ्री नार्था प्लेट टीम वर्क्स के, ये एक कंपनी है। इस कंपनी का आप नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखेंगे, थ्री नार्था प्लेट टीम वर्क्स, जहां पर जिसके फाउंडर और चेयरमैन जॉन एंथनी हैं, ठीक है? वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं और 32 ईयर से ये कंपनी चला रही है, ओके? नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एडगर एंथनी, जो जॉन एंथनी के 30 ईयर ओल्ड सन है, ठीक है? 30 साल के बेटे हैं और वो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं। यस, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, वो है फ्रेडरिक विल्डर जो कि डायरेक्टर हैं सेम कंपनी के, थ्री नार्था प्लेट इन वर्क्स के, ओके। विलियम स्कैंटल बरी की बात कर लेते हैं, वो भी डायरेक्टर हैं। ऑलिवर वैंकलिन भी डायरेक्टर हैं सेम कंपनी में, ठीक है? फ्रांसिस अंडरवुड की बात कर लेते हैं जो कि मैनेजर हैं थ्री नार्था प्लेट इन वर्क्स में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आती है वो है एनिट अंडरवुड जो कि डॉटर है जॉन एंथनी की और वाइफ है फ्रांसिस अंडरवुड की, ठीक है? फ्रॉस्ट की बात कर लेते हैं, जॉन एंथनी के मैन सर्वेंट हैं, ठीक है? और एंथनी हैज बीन विद एंथनी सिंस फ्रॉस्ट वाज 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? जब एंथनी 15 साल के थे वो तब से उनके साथ हैं। स्ट्राइफ एक थ्री एक्ट प्ले है, ये एग्जाम के आपके नोट करने के लायक पॉइंट है, तो आप इनको नोट कर लेंगे, ओके? अपने नोट्स इनसे बना लेंगे। स्ट्राइफ थ्री एक्ट प्ले है इंग्लिश राइटर जॉन गालसवर्दी का और इट वॉज हिज थर्ड प्ले, ये उनका थर्ड प्ले है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला प्ले है उन तीनों प्ले में से, ठीक है? और इसको उन्होंने 1909 में लंदन में प्रोड्यूस किया था, जहां पर ये टू थिएटर में परफॉर्म किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्राइफ है वो टू थिएटर में परफॉर्म किया गया था, एक तो ड्यू ऑफ यॉर्क थिएटर एंड दूसरा न्यू यॉर्क एट द न्यू थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। इस प्ले में एक स्ट्राइक चल रही है, एक कंपनी की हड़ताल चल रही है ट्रेड यूनियन और कंपनी डायरेक्टर्स के बीच, ठीक है? जहां पर बहुत सारी हार्डशिप्स होती हैं, कठिनाइयां होती हैं किनके साथ, वर्कर्स की जो फैमिलीज हैं उनके साथ, ठीक है? और यही टकराव दोनों कंपनी चेयरमैन और स्ट्राइक के जो लीडर हैं उनके बीच देखने को मिलता है। तो इसकी जो मेन थीम है वो कैपिटल और लेबर्स के पर है, कैपिटल एंड लेबर्स पर इसकी मेन थीम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो हड़ताल है, ये जो एक्शन है, ये कहाँ से शुरू होता है? 7 फरवरी को इंग्लैंड और वेल्स की सीमा पर जो ट्रेनार्था टीन प्लेट वर्क्स है वहां पर ये एक्शन शुरू होता है, ठीक है? कई महीनों से वहां फैक्ट्री में स्ट्राइक हो रही है, यानी कि हड़ताल हो रही है। एक्ट फर्स्ट में यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी में जो नुकसान हुआ है उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और एक बोर्ड बैठक की आयोजित बोर्ड की बैठक वहां पर वो अरेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर हड़ताल के लिए समर्थन वापस लेने के लिए साइमन जो हार्नेस है उनको बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि वो लोगों से बोलें कि वो अपनी डिमांड्स को वापस लें और डायरेक्टर को एग्री करें कि वो उनकी मांग पर सहमत हो जाएं। तो ये जो साइमन हार्वेस है ये प्रतिनिधित्व करते हैं ट्रेड यूनियन का और डायरेक्टर से आके कहते हैं कि उनकी मांगों को वहां से वो वापस ले लें और जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी करने के लिए सहमत हो जाएंगे, ठीक है? डेविड रॉबर्ट्स की बात करते हैं। अब जो ये डेविड रॉबर्ट्स हैं, ठीक है, ये लीडर हैं मैन कमेटी के, जो उन्हें बताते हैं कि जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि उनकी मांग मानी नहीं जाएगी, ठीक है? मैन आर स्टार्विंग। वैसे यद्यपि जो लोग हैं वो इस हड़ताल के कारण भूखे मर रहे थे। तो ये जो टकराव है, ये एल्डरली कंपनी चेयरमैन जॉन एंथनी और जो यूनियन लीडर रॉबर्ट्स हैं उनके बीच चलता है। जो ये रॉबर्ट्स हैं ये कभी भी गिव्स वे, यानी कि ये कोई भी रास्ता नहीं वहां पर छोड़ते हैं और ये हड़ताल जारी रखने का वहां पर बात करते हैं। मीटिंग के बाद जो एनिट अंडरवुड है जो कि जॉन एंथनी की डॉटर है और मैनेजर की वाइफ है, वो अपने पिता से बात करती हैं और वो जानती हैं कि जो फैमिलीज जो हड़ताल कर रही हैं उनकी फैमिलीज किस तरह से पीड़ित है। रॉबर्ट्स वाइफ एनी जो कि उनकी मेड रह चुकी है, किसकी? जॉन एंथनी की, ठीक है? एनिट अंडरवुड की जो कि जॉन एंथनी की डॉटर है उनकी मेड रह चुकी है, कौन? रॉबर्ट्स की वाइफ, और वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं।
ठीक है, इन सब जो अफेयर हैं उनको लेकर हेनरी टेंच कंपनी के सेक्रेटरी हैं, जो कि एंथनी को बताते हैं कि वहां पर भी उन्हें आउटवोटेड कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, यानी कि वहां पर भी उनको ज्यादा वोट नहीं मिली है, ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया है। एक्ट टू सीन वन की बात करते हैं, एनिड रॉबर्ट्स जो है अपनी कॉटेज एनिड जो है रॉबर्ट्स की कॉटेज का दौरा करती हैं, उनसे मिलने जाती हैं, ठीक है, एनी रॉबर्ट से, जो रॉबर्ट की वाइफ है, ठीक है, जो कि दिल की बीमार है, जो एनी है ना, ये जो एनिड की मेड सर्वेंट थी वो दिल की बीमार है। और जब डेविड रॉबर्ट्स वहां आते हैं तो एनिड उनसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहती है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तुम्हें अपनी वाइफ पर दया करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और वो उसे एनिड को मना कर देता है, और एनिड वहां से डिसअपॉइंटेड होकर लौट जाती है, यानी कि हताश होकर लौट जाती है। एक्ट टू सीन टू की बात करते हैं, इसमें एक ओपन स्पेस है जो कि फैक्ट्री के नियर है, वहां पर एक मंच तैयार किया गया है, ठीक है, जहां पर हार्नेस जो है वो स्पीच देता है स्ट्राइकर्स को, ठीक है, और उन्हें कहता है कि उन्हें गलत सलाह दी गई है और भूखे मरने के बजाय जो उनकी डिमांड्स हैं उन्हें उसमें कटौती कर लेनी चाहिए और जो यूनियन है उसका समर्थन करना चाहिए, और उसने कहा है कि हु विल सपोर्ट देम इंस्टेड ऑफ स्टार्विंग, कि भूखे मरने के बजाय उसे उन्हें यूनियन का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, जो उनको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर वो यहाँ पर शॉर्ट स्पीच होती है टू मैन के बीच, ये जो शॉर्ट स्पीच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर दो लोगों की कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन देखने को मिलती है, यानी कि दोनों की ओपिनियन में मतभेद देखने को मिलता है। रॉबर्ट प्लेटफॉर्म पर जाता है, एक लॉन्ग स्पीच देता है और वहां पर कैपिटल के अगेंस्ट फाइट करने की बात कहता है, और वहां पर रॉबर्ट कहता है अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्ट मॉन्स्टर, की एक सफेद चेहरे वाला स्टोनी हार्ट पत्थर दिल वाला राक्षस, और फिर कहता है ये हैव गॉट इट ऑन इट्स नीज, कि तुमने स्ट्राइक करके इसको घुटनों पर ला दिया है, आर ये टू गिव अप एट द लास्ट मिनट टू सेव योर माइजरेबल बॉडीज पेन, और ये लास्ट मिनट पर जो तुम्हारा पेन भरा शरीर है उससे बचने के लिए हमें कह रहा है कि यह अंतिम क्षण में हम हार मान जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कहता है, रॉबर्ट्स कहता है, ठीक है। जब ये न्यूज फिर तभी एक न्यूज आती है और वहां पर पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, तो रॉबर्ट वहां पर मीटिंग बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है, ठीक है। एक्ट थर्ड की बात करते हैं, ये मैनेजर का घर है जहां पर एनिड बात कर रही है एडगर एंथनी से, ठीक है, जो कि चेयरमैन का बेटा है। एडगर एंथनी कौन है, यहाँ पर चेयरमैन का बेटा है, ठीक है, तो वहां पर वो बात करती है वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उसे सिंपैथी है टूवर्ड्स के प्रति, कैसी सिंपैथी, लेस, यानी कि उसे पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा कम सिंपैथी है, और वो कंसर्ट करती है फादर के लिए और एडगर शुड सपोर्ट हिम, एडगर भी उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जो हालांकि जो एडगर है वो मैन के प्रति सिंपैथी रखता है, ठीक है, लेकिन एनिड नहीं रखती है ना, दे रिसीव द न्यूज। फिर वहां पर उन्हें पता चलता है कि जो मिसेज रॉबर्ट हैं वो मर चुकी हैं, मिसेज रॉबर्ट्स मर चुकी हैं, जो कि उनकी मेड सर्वेंट थी वो मर चुकी हैं। डायरेक्टर की जो मीटिंग है वो वैसे ही गलत जा रही थी, ठीक है, और फिर ये न्यूज भी उस मीटिंग को अफेक्ट कर देती है, तो एडगर कहता है कि वो भूखे मरते हुए वुमेन को देखने से बजाय वहां पर इस्तीफा देना ज्यादा पसंद करेगा, तो अदर जो डायरेक्टर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, है ना, और वो यहाँ पर जो ओपिनियन है पुट सो फ्रेंकली, वहां पर उनकी राय बिल्कुल फ्रेंकली रखते हैं। जॉन एंथनी एक लॉन्ग स्पीच देते हैं इंसिस्टिंग, और वो वहां पर इंसिस्ट करते हैं दे शुड नॉट गिव इन टू द मैन, दे शुड नॉट गिव इन टू द मैन, यहाँ पर जो जॉन एंथनी है वो एक लॉन्ग स्पीच देते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि पुरुषों के आगे झुकना नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि जो पुरुषों के साथ होने वाला जो बिहेवियर है वो एक ही है, कैसा, कठोर, विद द आयरन हैंड, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर वो वहां पर व्यवहार की बात करते हैं। दिस हाफ एंड हाफ बिजनेस, ये भी हमें ध्यान रखना है, यह आधा अधूरा व्यवसाय, ठीक है, हाफ एंड हाफ बिजनेस, इसको ध्यान रखना है, ये फेमस कॉट है, और ये बोल कौन रहे हैं, जॉन एंथनी इसको बोल रहे हैं, हैज ब्रॉट ऑल दिस अपॉन अस, यह सब हम पर लेकर आया है, और तुम एक डिमांड रखो और वो सिक्स डिमांड्स रखेंगे, ठीक है, इस तरह की वो बातें करते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वो वहां पर बोर्ड में प्रस्ताव रखते हैं कि
ये जो विवाद है, ये जो डिस्प्यूट है, हार्नेस के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। तो सभी डायरेक्टर्स इस फेवर में आ जाते हैं। एंथनी अकेला है जो खड़ा रहता है अपने इसके अगेंस्ट, और वो वहां से इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है। मैन कमिटी, जिसमें रॉबर्ट को इंक्लूड करते हुए हार्नेस वहां पर इस रिजल्ट को लेकर आता है, ठीक है, जो कि वहां मैंस के ऊपर रिजल्ट चल रहा था, वो डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहां पर उसे रिजल्ट रिसीव होता है, वो उसे लेकर आता है। रॉबर्ट रिपीट करता है अपने किसको, रेजिस्टेंस को, मींस जो वहां पर समझौता होना था उसको रिपीट करता है, और उससे बाहर आकर कहता है, रियलाइज करता है कि जो एंथनी हैव बोथ बीन थ्रोन ओवर, कि जो रॉबर्ट्स हैं वो वहां पर अपना प्रतिरोध दोहराते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रिजल्ट बताया जाता है, तो उस रिजल्ट को बताए जाने पर उन्हें वहां पर फील होता है कि उन्हें और एंथनी को कंपनी से हटा दिया गया है, और वहीं पर जो समझौता है हो जाता है, जो कि स्ट्राइक शुरू होने से पहले प्रस्तावित किया गया था। यानी कि ये उन वो ही दोनों, कौन, जॉन एंथनी और रॉबर्ट, उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो जो इसकी मेन थीम है वो क्या है, किसके बीच, डिस्प्यूट बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अपने नोट्स रेडी कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।